मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर कहा है कि भारत में नए युग का उदय हो रहा है जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई देगी। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब देश के किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय दीनदयाल परिसर में जश्न के माहौल के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री के प्रदेश कार्यालय पहुँचने पर करीब आधे घंटे तक जमकर आतिशबाजी की गयी। ढोल धमाकों की थाप पर कार्यकर्ता खूब नाचे। सीएम ने कहा कि यूपी की सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ काफी भेदभाव किया था और एनडीए की सरकार बनने पर अब ऐसा न तो मध्य प्रदेश से होगा और न ही किसी अन्य राज्य से। उन्होंने प्रदेश के मिशन 29 को लेकर कहा कि इक्का दुक्का सीटें नजर के काले टीके जैसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी में ही जमीनी कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है। प्रदेश में भोपाल के आलोक संजर, उज्जैन के प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय, रीवा के जनार्दन मिश्रा, सीधी की रीति पाठक, मंदसौर के सुधीर गुप्ता जैसे कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने सांसद बनाया है। देश भर में बीजेपी की जीत पर मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को टेलीफोन पर बधाई दी। इसी तरह नरेंद्र सिंह तोमर ने भी जीत के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई दी। साथ ही प्रदेश में मिली जीत में शिवराज सिंह चौहान सरकार के काम के योगदान को भी श्रेय दिया। ईएमएस टीवी के लिए कैमरा पर्सन शक्ति भारती के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।